करता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कई लोग बोलते हैं एक्टिंग कुदरती देन है, इट्स गॉड गिफ्ट। व्हाट यू थिंक, आपका क्या कहना है कि एक्टिंग ट्रेनिंग से भी एक बंदा एक्टर बन सकता है या गॉड गिफ्टेड ही है, अपने अंदर ही होना चाहिए? नहीं, आई थिंक ट्रेनिंग से भी बन सकता है। ट्रेनिंग से भी बन सकता है, बट गॉड गिफ्टेड वंस आर द बेटर एक्टर्स। द ट्रेनिंग वंस यू कैन डायरेक्टली आई फील रिकॉग्नाइज के हां ये अभी नया नया सीख के आया है, लाइक दैट। ऐसा कहते बहुत इनसिक्योर्ड है ये फील्ड, बहुत लोग जल्दी सेटल नहीं हो पाते, काम नहीं मिल पाता। So what do you think about that? It's very difficult to get into this industry. A lot of politics. No, it isn't difficult to get into the industry. It is easy to get into the industry, but to get established and renowned and well known and people to know you, I think that is difficult. Getting into ke apne ko kitne shoots ke liye they keep asking, but not everyone knows us. Like everyone knows Manushi Chiller, right? Entry is not a big deal. Yes, I don't really think entry. अपना एक अलग इमेज बनाना, that is difficult. To have self recognition is the thing. तो सीखी जा सकती है। कुदरती देन कैसे रहेगी? कुदरती देन नहीं है, कैसे रहेगी वही बताओ ना, कैसे रहे? कोई माँ के पेट से सीख के थोड़ी आती। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही जवाब दिया यार आपने। कुछ और बोलना चाहेंगे उस पर? बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये तो कुदरती देन होती है। नहीं नहीं, कुदरती देन कैसे होती है सर? हाँ ये तो यहाँ आके सब सीख, अभी देखो अभी हम लोग भी डिलीवरी बॉय है, हम लोग भी तो क्या सीख के तो नहीं आए ना सर, अभी हमें भी यही आने के बाद पेट के लिए सब करना पड़ता है। सही है, तो कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी सीखे नहीं, हमको भी नहीं पता था कि हम लोग डिलीवरी बॉय बनेंगे करके सर, ऐसा है। अभी वो एक्टिंग क्या है वो यहाँ आके ही सीखनी पड़ती है। भगवान का कोई चमत्कार हो गया और एक्टिंग आ गई? नहीं ऐसा कुछ है, सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सीखना तो पड़ता है, मतलब अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे एक्टिंग आनी चाहिए, मतलब मैं कर सकता हूँ, फीलिंग होनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ये फीलिंग होनी चाहिए। कुदरती देन भी होती है लेकिन उसको खुद को भी अपना 100% देना होता है। कुदरती देन भी है लेकिन खुद को भी 100% देना होता है। आप कुछ बता रहे थे? नहीं, एक्टिंग कुदरती तो मतलब अगर किसी को एक्टर बनना है तो वो क्लासेस वगैरह करके खुद को उस तरह उसके काबिल बना सकता है ना, कि वो मतलब कैमरे के सामने कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए, एक्टिंग कर पाए। कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज करनी होती है उसको। कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज करनी हो तो आपका कहना है कि एक्टिंग क्लास में वो इम्प्रूव हो सकता है? हो सकता है, 100% इम्प्रूव। नेचुरल है ये कैसे समझ में आए, किसी बंदे को देखकर कैसे पता करें कि इसमें नेचुरल है या नहीं? उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं ना अलग अलग, जैसे अभी नाना पाटेकर की अलग स्टाइल है उसकी खुद की, शाहरुख खान की अलग स्टाइल है खुद की। बट सर ये तो बन गए। हाँ लेकिन मेरा कहना है कि एक फ्रेश लड़का या लड़की जिनको एक्टिंग में करियर करना है, हाँ, हाउ दे कम टू नो कि मेरे अंदर एक्टिंग है या नहीं है? वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी वो जब एक्टिंग करेगी। अच्छा, जब कुछ करेंगे तब पब्लिक को कुछ डिफरेंट लगेगा तो नेचुरली वो फेमस हो गई। ट्रेनिंग से इंसान बनता है, राइट? आई डोंट, कभी कभी ऐसे होता है कि रियल भी होता है, कभी कभी उनको सीखना पड़ता है, ब्रशअप करना पड़ता है कि हाउ यू हैव टू बी इन इंडस्ट्री, कैसा एक्टिंग करना, स्किल्स, हर किसी के पास वो स्किल्स नहीं होते हैं तो वो ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए जाना ही होता है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं कमेंट्स करना है। अरे बोलिए आपका। हेलो, आप कुछ डिफरेंट आने की संभावना है? क्यों, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है आप एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे। अरे बाप रे। नहीं नहीं नहीं, बल जैसे मैं सॉलिडिटी यूज कर रहा हूँ। किसी किसी का होता है बाय बॉर्न टैलेंट, क्योंकि कोई कोई बचपन में रिसेलर उनका इंटरेस्ट होता है, फिर बहुत सारे ड्रामास में या फिर बहुत सारे प्लेज में वो लोग पार्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, और फिर उनको ऐसे लगता है कि आगे जाके कि क्या रेट है आपका और डिलीवरी अगर मेरा कैपेबिलिटी है तो क्यों ना हम लोग ट्रेनिंग ले या फिर किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा कैमरामैन वहां पर है। आई सॉ दैट। हां, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका कौन है? ऐसे देखने में बहुत एवरीवन इज एक्टर, क्योंकि लाइफ में हर जब किसी को भी झूठ बोलना है, अपने पेरेंट्स से झूठ तो कोई भी बोल सकता है, सो काइंड ऑफ इट्स अ एक्टिंग, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने की एक्टिंग करनी है। हाँ, तब आप एक्टिंग ही कर रहे हैं, राइट? सो वो कुदरती देन भी है और कुछ लोगों को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए ट्रेन भी होना पड़ता है। वाओ, ग्रेट ग्रेट, कुदरती देन भी है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपने आप को अपनी भी मेहनत स्किल्स को शार्प करना पड़ता है, जो स्किल्स मिले सिर्फ उससे तो नहीं ना, वो स्किल्स को भी शार्प करना पड़ता है।
फिर सब लोग एक्टिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? व्हाट डू यू थिंक? अपने ऊपर डिपेंड है ना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि अपना 100% सब नहीं दे पाता ना. इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर्स, कौन सी कहानी चूज कर रहे हो. अच्छा, स्टोरी. ओके, अगर आप में इमोशन वाला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है और आप इमोशनल वाली मूवी तो उसको उस हिसाब से स्टोरी वो सिलेक्ट करता है, वो एक्शन सिलेक्ट करता है. अपने आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए कि मुझे इमोशनली कैसे मैं कर सकता हूँ. अगर आमिर खान शाहरुख खान इमोशनली कन्वे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. वहाँ कैमरा है हमारा जो अपना इंटरव्यू शूट कर रहा था. थैंक यू सो मच. अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा में.